वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड एंड कैम का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो CIM है तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीन्स। एंड उसके बाद हम जो HR डिपार्टमेंट दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, उसमें हम MIS सिस्टम का किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज अ CIM, विच इज़ द थर्ड ऑटोमेशन टूल विच आर यूज इन द MIS। सो इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दैट इज CAD एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग दैट इज CAM। ठीक है, तो इन दोनों का हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी किया था, CAD एंड CAM का। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग दैट इज CIM। दैट्स वाई इट्स नेम इज द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ CAD एंड CAM। सो दिस इज एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम यूजली इंस्टॉल ऑन लोकल एरिया नेटवर्क लिंकिंग सेवरल रिलेटेड डिपार्टमेंटल फंक्शन सच एज डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। सो दिस इज अ इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ इंस्टॉल ऑन द सिंपली अ लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी जस्ट लाइक अ डिज़ाइन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और द मार्केटिंग डिपार्टमेंट दैट इज कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क टू दिस सेंट्रल कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल रहेगा वो लोकल एरिया नेटवर्क पे होगा CIM का, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो कनेक्ट रहेंगे इस CIM को थ्रू द नेटवर्किंग। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ CIM इंश्योर द रैपिड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द रियल कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिलेटेड फंक्शन। सो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग दैट इज CIM, इट इज़ अ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो अदर बिजनेस ऑपरेशन एंड द डेटा बेसिस। सो इट कॉन्सेप्ट और द फिलोसफी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द ऑटोमेशन फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है CIM, इट इज़ द CAD दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड अदर बिजनेस ऑपरेशन एंड द डेटा बेस रिलेटेड टू दिस CAD एंड इट्स कॉन्सेप्ट इज दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड इन द ऑटोमेशन यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द फैक्ट्री। So CIM that is computer integrated machine has a three basic goals which are as follow: simplification of all the manufacturing technologies and techniques. So the first goal is the flexible manufacturing system, a form of flexible automation in which several machine tools are linked together by the material handling system that is controlled by the central computer. ठीक है, तो या तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो एक फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम है जिसमें अलग अलग मशीन टूल्स को कंबाइन किया जाता है, मीन्स लिंक टुगेदर, ठीक है, बाय द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उससे अलग अलग जो मशीन्स है, ठीक है, जिनमें ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है उनको कनेक्ट किया जाता है एंड वो सब कंट्रोल होता है एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से। सो इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स लाइन बाय द एबिलिटी टू प्रोसेस मोर देन वन प्रोडक्ट स्टाइल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटोमेशन होगा, ठीक है, तो उसमें अलग अलग जो प्रोसेस है या अलग अलग प्रोसेस में जो मशीन्स रिक्वायर्ड है दे आर कंबाइंडली वर्क एंड फॉर्म द प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। सेकंड इज द कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग दैट इज CAE, द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इंजीनियरिंग टू एनालाइज द रोबोस्टनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपोनेंट्स असेंबलीज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल। ठीक है, तो CAE में जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंजीनियरिंग में यूज़ होता है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट्स और द प्रोडक्ट्स और द मैन्युफैक्चरिंग टूल्स। तो ये सिंपली जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट का
या मैन्युफैक्चरिंग टूल का वो एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। थर्ड इज़ द GIT दैट इज जस्ट इन टाइम, सो इट इज़ अ जापनीज आइडिया दैट इन्वेंट्री इज मैन्युफैक्चर ओनली द नीड फॉर द अराइजेस और इन टाइम टू बी सोल्ड। सो दीज आर द मेन थ्री गोल्स ऑफ दिस CIM सिस्टम, सो दैट विल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑटोमेशन टूल। ठीक है, तो ऑटोमेशन टूल का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, जिसमें हमने कैड देन कैम दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मशीन एंड CIM, ये तीनों ऑटोमेशन टूल का हमने डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ द HR सिस्टम, सो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज द HRIS सिस्टम। सो दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज़ HRM इज़ द अट्रैक्शन सिलेक्शन रिटेंशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करने के लिए ये अलग अलग फंक्शन जो है वो HR डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, HR डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट वहाँ पे फॉर्म करता है, जो कि सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का। ठीक है, मैन पावर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट और द डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग रिसोर्सेस है या फंक्शंस है दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय दिस HR डिपार्टमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ HRM एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो HRIS हेल्प्स द HR मैनेजर टू परफॉर्म द HR फंक्शन इन मोर इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक वे यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो HR मैनेजर को यहाँ पे जो HRIS सिस्टम है, ठीक है, सो उससे सिस्टमेटिक वे से एंड इफेक्टिव वे से या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से ये अलग अलग फंक्शन मैनेज करने, सो दैट विल बी अ सपोर्टेबल। सो इट इज़ अ सिस्टम दैट इज़ अक्वायर स्टोर मैनिपुलेट एनालाइज रिट्राइव एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HR रिसोर्सेज। सो HRIS इज़ अ सिस्टम यूज टू प्रिटेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ HRIS। ठीक है, तो HRIS के कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट वन HR प्लानिंग दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस का प्लानिंग करने के लिए HRIS सिस्टम इज़ नीडेड। सक्सेशन प्लानिंग वर्क फ्लोस प्लानिंग, ठीक है, अगर कोई नया प्लांट एक्सपांड हो रहा है या नया प्लांट ओपन हो रहा है तो वहाँ पे वर्क फ्लोस नीडेड रहेगा। ठीक है, तो उसका प्लानिंग भी HRIS करेगा वहाँ पे। वर्क फ्लोस डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है, तो कितने स्टाफ या स्टाफिंग नीडेड है, ठीक है, तो उसका भी एक डायनेमिक एनालिसिस HRIS सिस्टम से यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट इज द स्टाफिंग एप्लीकेशन और एप्लीकेंट रिक्रूटमेंट एंड द ट्रैकिंग। ठीक है, तो जो न्यू कैंडिडेट्स है उसका रिक्रूटमेंट एंड जो अलग अलग इंटरव्यूज़ होंगे तो उसको ट्रैक करना। ठीक है, सो एम्प्लॉय डेटाबेस डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हो करंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या कंपनी में, तो उनका जो डेटाबेस है वो मेंटेन करना HRIS का मेन फंक्शन है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, इज़ मैनेज बाय दिस HRIS डिपार्टमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अगर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ है कंपनी में तो उसके रिगार्डिंग जो लर्निंग है वो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे प्रोवाइड करना, ये भी एक एप्लीकेशन है HRIS डिपार्टमेंट का। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, जो भी एम्प्लॉयज़ के कॉम्पनसेशन से एंड बेनिफिट्स है, ठीक है, तो वो सेटल डाउन करने का जो वर्क है या फंक्शन है वो भी HRIS डिपार्टमेंट के लिए है। पे रोल ऑन रोल ऑफ रोल देन जॉब इवोल्यूशन सैलरी सर्वे ऑफ द एम्प्लॉयज़ सैलरी प्लानिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन, तो ये सारे जो है वो एप्लीकेशन है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के। देन वी स्टडी द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम विच आर एज फॉलोज। सो द फर्स्ट फंक्शन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो उनका जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी अ गैदर, सो दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ द दिस HR डिपार्टमेंट।
सो डेटा सच एज द नेम, टाइटल्स, एड्रेस एंड द सैलरीज आर अ बेसिक स्टार्ट. ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का जो डेटा रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा नेम, टाइटल, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, द सैलरी दे गेट. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग या बेसिक पर्पस हो गया. देन सैलरी एंड पोजीशन का हिस्ट्री. ठीक है, मीन्स एम्प्लॉय कब से वहाँ पे वर्क कर रहा है, उसका सैलरी क्या था. ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री भी यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के पास रहेगा. रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल हिस्ट्रीज एंड अदर क्रिटिकल एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो हैंडल बाई दिस HR IS डिपार्टमेंट. सेकेंड सैलरी इज का द बारे में बोलिए। कंपनी, सेकेंड फंक्शनलिटी इज द कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट सच एज एम्प्लॉयज हैंडबुक, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर एंड सेफ्टी गाइडलाइंस आर देयर. सो इन कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इट इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज हैंडबुक. सो इन हैंडबुक्स देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, दैट इज द सैलरी एंड पोजिशन ऑफ दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, इन केस ऑफ द फायर देर इज़ अ इमरजेंसी इवैक्यूएशन द प्रोसीजर्स आर रिटन इन द हैंडबुक एंड सेफ्टी गाइडलाइंस आर ऑल्सो देयर. सो दैट इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ द दिस HRIS. नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड इज़ द बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंक्लूड द एनरोलमेंट, स्टेटस चार्जेस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेशन. सो इन एन आइडियल सिस्टम यू कैन अलाउ द एम्प्लॉयज़ लुकअप एंड रिव्यू देयर ओन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वैकेशन ट्रैकिंग. सो बेनिफिट्स दैट इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़, दैट इज एनरोलमेंट, स्टेटस चेंजेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर देयर. नेक्स्ट इज़ द कंप्लीट इंटीग्रेशन विद द पेरोल. सो अदर कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग सिस्टम. सो व्हेन दीज आर कनेक्टेड यू कैन इंश्योर दैट पे चेक्स आर करेक्ट, देर इज़ अ नेवर डिस्कनेक्शन बिटवीन द ऑफिशियल पे रेट इज एंड द इंफॉर्मेशन दैट पेरोल हैज़. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जो आप एम्प्लॉयज़ को जो पे रेट या पेमेंट या सैलरी वहाँ पे मिल रहा है एंड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो मेन वर्क ऑफ दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन विद द पेरोल. ऑल्सो द देर इज़ अ इजी अपडेशन ऑफ अ सैलरी इन वन सिस्टम एंड नॉट इन द अदर. ठीक है, तो एक ही सिस्टम में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का सैलरी है ठीक है वो अपडेट होगा, ना कि बहुत सारे सिस्टम पे अलग अलग डिपार्टमेंट का जो डेटा रहेगा ठीक है एम्प्लॉयज़ का. ठीक है, तो ऐसा नहीं रहेगा, एक ही सिस्टम में ये टोटल डेटाबेस में टोटल इन्फॉर्मेशन पेरोल का सेव रहेगा. देन नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ट्रैकिंग एंड रिज्यूम मैनेजमेंट. सो व्हेन योर सिस्टम इज सीमलेस द रिक्रूटर कैन क्लिक अ हायर बटन एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट इज ट्रांसफर्ड टू द एम्प्लॉय साइड ऑफ द थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम यूज़ होगा दैट इज़ रिक्रूटर कैन क्लिक द हायर बटन. ठीक है, एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेट इज़ ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय साइड. सो दिस सेव द मच टाइम बिकॉज योर डेटा एंट्री एंड द पेपर वर्क प्रैक्टिकली डिसअपियर. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटर रहेगा ठीक है जिसको हायर करना है कंपनी में ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा एप्लीकेंट का वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा एम्प्लॉयज साइड. ठीक है, सो दैट विल रिड्यूस द डेटा एंट्री एज वेल एज पेपर वर्क प्रैक्टिकली. सो द एप्लीकेंट पुट्स इट्स ओन इंफॉर्मेशन व्हेन अप्लाइंग एंड यू कैन इंश्योर द एक्यूरेसी. ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट रहेगा वो उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रिज्यूम है, वो वहाँ पे अपडेट करेगा पोर्टल पे जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है एंड दैट कैन बी इंश्योर द एक्यूरेसी बाय दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दैट एप्लीकेंट. एंड ऑल्सो इफ द ऑफर लेटर इज जनरेटेड आउट ऑफ द सेम सिस्टम एज द पेरोल सिस्टम. नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान. सो इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू हैव अ प्लान, इफ दे आर रिकॉर्डेड इन सेंट्रल सिस्टम देन दे कैन इजीली फॉलो द एम्प्लॉयज फ्रॉम द पोजिशन टू पोजिशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट रिलेटेड प्लान होगा
ठीक है, वो एक सेंट्रल सिस्टम में यहाँ पे सेव होगा, देन इट कैन बी इजीली फॉलो बाय द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। तो हर पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस प्लान मीन्स डेवलपमेंट प्लान रहेगा हर अलग अलग पोजीशन के लिए कंपनी में, ठीक है। सो इन दैट सीनियर लीडरशिप कैन रन द रिपोर्ट्स टू सी वेदर द पीपल्स एंड वॉट आर द इंडिविजुअल बॉसेस प्लानिंग ऑफ देयर फ्यूचर। नेक्स्ट इज़ द डिसिप्लिनरी एक्शन। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रैक ऑफ हाउ हैज़ बीन सस्पेंडेड, डिमोटेड एंड हैड अदर निगेटिव एक्शंस टेकन अगेंस्ट द देम नोटेड इवन आफ्टर द एम्प्लॉय लीव्स योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो ऑल्सो परफॉर्म होगा HRIS में, ठीक है। तो जिसमें जो ट्रैक होगा, ट्रैक रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ का, दैट इज़ डिमोशन, देयर निगेटिव एक्शंस टेकन बाय द कंपनी, ये सब नोटेशन रहेगा HRIS सिस्टम में। एंड द लास्ट वन फंक्शनलिटी ऑफ HRIS इज़ द ट्रेनिंग रिकॉर्ड। सो दिस इज स्पेशली क्रिटिकल इन कंपनी वेयर सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड। सो इन अदर कंपनीज ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मे नॉट हैव दैट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, बट यू मे स्टिल फाइंड दैट हैविंग द इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो है कंपनी में सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग में, ठीक है, या प्रोडक्ट के लिए। सो इन अदर कंपनीज ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मे नॉट हैव द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस बट मे स्टिल फाइंड हैव द इंफॉर्मेशन यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल। सो दैट्स वाई ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई दिस HR सिस्टम और HR डिपार्टमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़, एंड द रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द HRIS सिस्टम। सो दीज आर द टोटल 8 फंक्शंस ऑफ दिस HRIS सिस्टम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दैट विल एंड द स्टडी ऑफ दिस HRIS सिस्टम। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो पार्ट सी यूनिट 1 का, दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, उसका हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।